हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि इतने बड़े टप को कम मिट्टी से कैसे भरे, किस तरीके से आप मिट्टी बना सकते हैं अपने नए पौधे के लिए। क्योंकि मेरे पास जो रेडी है इस वक्त पे गोभी के पौधे हैं जो रेडी है, मुझे इसमें लगाना है, तो उसी के लिए मैं अब मिट्टी तैयार करने वाली हूँ। और कम से कम मिट्टी में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे मंगाएं, देखिए मैंने पहले पूरी मिट्टी की सफाई करी है। इसमें से जितने भी ईंट पत्थर प्लास्टिक जितना ज़्यादा हो सकता था निकालने की कोशिश की है। अब हम फिल करेंगे इसके अंदर ये गत्ते, ये कार्डबोर्ड वाले गत्ते गए बहुत काम के होते हैं। ये मेरी छत पे जहाँ मैंने अभी सफाई की थी, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो नई जगह बनाई है पौधों की उसके अंदर है। और इसको तोड़ के कुछ छोटा करके, कुछ साबुत बड़े साबुत तो नहीं है, सबके तोड़ के मैंने इसके अंदर डाला है। और इसके अंदर कुछ मैंने पत्ते भी डाले हैं, सूखे पत्ते नहीं थे मेरे पास, इसलिए जो भी मेरे यहाँ पौधे वौधे उगे हुए थे, पीपल का एक पौधा निकला हुआ था उसको तोड़ के, जितने भी मेरे आसपास जितने भी छोटे मोटे पौधे थे जो फेंकने वाले थे वो सब मैंने इसमें डाला है। अब बनाएंगे हम मिट्टी, तो ये मिट्टी मैंने तैयार करनी है। और ये देखिए इसके अंदर आप वर्म देख रहे हो, इसका मतलब है कि मेरी मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इसके अंदर ये देखिए अभी मैंने कोकोपीट डाला है, उसके अंदर भी वर्म्स हैं। और ये है मेरी गोबर की खाद। तो अब हम बनाने वाले हैं हमारी बहुत ही हल्की मिट्टी, जिसके लिए मैं लेने वाली हूँ मिट्टी, वर्म वाली मिट्टी है ये भी, और उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, और हम इसमें डालेंगे गोबर की खाद, और उसके अलावा हम इसके अंदर कुछ पोषक तत्व भी डालेंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए। सबसे पहले मैं मिलाने वाली हूँ इसमें नीम खली, तो जितना बड़ा गमला है उस हिसाब से मुझे नीम खली मिलानी पड़ेगी। ये अंदाजन 2 या 3 से 4 मुट्ठी इसके अंदर मिलानी पड़ेगी, तो 2 मुट्ठी के करीब इसके अंदर था, ये ख़त्म हो गया था। तो अब दूसरा भी है मेरे पास पैकेट, तो उससे मैं और इसको काट के और डालूंगी। ये है मेरे पास वर्मी कंपोस्ट, जो मेरे यहाँ माली आते हैं मैंने उनसे लिया है ये वर्मी कंपोस्ट। तो इसका सही से खुला नहीं था पैकेट, तो इसलिए निकला नहीं पहले। अब मैं इसको दोबारा से कट करके तरीके से और फिर खोलूंगी, क्योंकि कुछ वर्मी कंपोस्ट मेरे पास बन रही है बट अभी उसमें टाइम लगेगा। जो लोग कहते हैं ना कि 20 दिन में 10 दिन में हम आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि बताएंगे, वो सब झूठ है गाइस। हर चीज़ में टाइम लगता है, जैसे मेरे पौधे बनने और बढ़ने में टाइम लग रहा है, उसी तरीके से मेरे वर्मी कंपोस्ट बनने में भी टाइम लगेगा। तो तब तक मुझे इससे कर चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं न्यू गार्डनर हूँ, तो मुझे अभी सब कुछ परचेज करना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें परचेज कर रही हूँ, कुछ घर में पड़ी हुई चीज़ें वेस्ट हैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैंने इसमें कुछ 10% के करीब वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोकोपीट डाला है जिसमें वर्म्स हैं। मेरी खाद भी बहुत उपजाऊ है ऑलरेडी, जो गार्डन सॉइल है इसमें मैं 2-3 मुट्ठी करीब और नीम खली डाल रही हूँ, और जो मेरी गोबर की खाद है उसमें भी वर्म्स हैं। तो मेरी ऑलरेडी बहुत उपजाऊ मिट्टी है जो मेरी ये बनने वाली है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ पोषक तत्व जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये फंगिसाइड है जो मैं उसके अंदर डाल रही हूँ, फंगिसाइड नहीं डालेंगे तो आजकल बारिश का मौसम है, सारी जड़ें गलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। ये डीप है जो मैंने उससे लिया, मेरे पास काली वाली डिब्बी रखी है, तो मैंने सोचा कि अब इसके अंदर इसी को यूज़ करती हूँ ताकि मेरी खाद और अच्छी बने, इसमें कुछ भी केमिकल वाली चीज़ें नहीं जाए। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें मस्टर्ड केक, जो मेरे पास ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। आपने देखा पीछे मैंने कितने सारे गमले बनाए हैं, कितने सारे पौधे बनाए हैं, तो उन सब में ख़त्म हो चुका है। तो जितना मेरे पास था मैंने सब इसमें डाल दिया है। अब नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ मेरे पास जो है ये बोन मील। इसमें से मुझे स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी लगती है बट ठीक है, पौधों की रिक्वायर्ड है तो इसमें मैं डाल देती हूँ ताकि पौधे मेरे हेल्दी रहें और अच्छे ग्रोथ दें, क्योंकि मैंने बहुत हाइब्रिड वाले बीज नहीं लिए हैं। ये है एप्सम सॉल्ट, ये सबको पता होगा कि पौधों की ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक ही बार डाला जाता है एक बार के पौधों में। और ये अब जो भी खाद इसके अंदर डल रही है ना, जितनी भी इसमें टॉनिक डल रहे हैं, ये बस एक ही बार रहेंगे। पौधा मेरा जब तक पूरा ग्रो नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता, मेरे गोभी बन नहीं जाती है, तब तक अब इसके अंदर कोई और वो नहीं डलेगा, कोई खाद नहीं डलेगी जल्दी से। डलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार मैं गोबर की खाद और डाल दूँगी इसके अंदर। और यहाँ मेरे सारे पौधे लगे हुए हैं, मिलू भौंक रही है, बाहर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। अब मैं यहाँ से बहुत, मतलब मेरे हाथों के अंदर है ना लिटरली गांठ पड़ गई है,
ये सब खुदाई के काम करते करते बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी आदत नहीं है ना, तो इसलिए मेरे हाथों में ना वो पड़ गई है बहुत ज़्यादा। अब मैं ये मिट्टी मिल चुकी है मेरी अच्छे से, और अब इसको मैं ट्रांसफ़र करने वाली हूँ उसके अंदर, टब के अंदर। और टब के अंदर ऑलरेडी मैंने गत्ते वगैरह फिल कर दिए हैं, तो उसमें ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाद में जब रिपोर्टिंग वगैरह को दोबारा कुछ काम होगा, तभी हम उसके अंदर मिट्टी और खाद डालेंगे। उसके अंदर मैंने बहुत सारे तरीके की खाद, मिट्टी, बहुत उपजाऊ मिट्टी बना दी है। देखो इतनी उपजाऊ मिट्टी बना दी है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच। इसके तो वर्म्स भी इतने नज़र आ रहे हैं कि इससे ज़्यादा न्यूट्रिशन इसमें क्या होगा, इससे पता लग रहा है। तो चलिए इसको करते हैं ट्रांसफ़र। इसमें मैंने मिट्टी बहुत अच्छे तरीके से भर दी है, और बहुत हल्की मिट्टी भी बनाई है, बहुत उपजाऊ मिट्टी बनाई है। तो अब इसको हम रात भर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद इसमें कल करेंगे, कल लगाऊंगी मैं इसके अंदर गोभी। और मिली का तो यहाँ भौंकना है, किसी को भी देखेगी तो